अगली खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है, जहां पीजी कॉलेज के एलएलबी सेकेंड ईयर के 27 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। ऐसे में परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों ने नाराजगी जताई है। वही विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं की सत्यता और पूर्ण मूल्यांकन करने की मांग कर रहे हैं। एलएलबी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विद्यार्थी रायपुर ने सेमेस्टर प्रथम का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से केंद्रीय मूल्यांकन किए जाने के कारण छात्र छात्राओं का परिणाम बहुत खराब आया है। बता दें कि क्लास में 59 विद्यार्थियों में से 27 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। हम लोग BCS PG कॉलेज LLB छात्र के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हम लोग का जो रिजल्ट है वो क्या बोलते हैं, 50% भी नहीं आया है पूरे यूनिवर्सिटी से। 47% बस रिजल्ट आया है, 47% स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं, बाकी सबको फेल कर दिया गया है। जबकि पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हम सब, और इतना जो पास हुए भी हैं, पास होने वाले 21 लोग हैं और जो फेल हुए हैं वो लोग 27 लोग हैं, और जो ATKT आए हैं वो लोग हैं 10 लोग, और जो पास हुए हैं उनको भी ग्रेस देकर पास किया गया है। जो इजी सब्जेक्ट है उसमें भी फेल कर दिया गया है। बाकी ये है कि अभी रिजल्ट आया है सेकंड ईयर वालों का, अभी फर्स्ट ईयर और फाइनल वालों को नहीं आया है। अभी सेंट्रल वैल्यूएशन हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, और इससे पहले भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। अभी पूरे यूनिवर्सिटी का, लॉ डिपार्टमेंट का, यानी 50% नहीं आया है रिजल्ट, और हम लोग इससे संतुष्ट हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। तो मैम बोली कि हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते, आप RTI लगाओ। ये तो हम लगाएंगे ही RTI, लेकिन RTI में क्या होता है ना, एक टाइम लेता है, हर चीज़ प्रोसीजर होगा, और हम सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, तो सेमेस्टर में अभी तुरंत रिजल्ट आया, कुछ दिन बाद हमारा एडमिशन स्टार्ट होगा। तो जितने लोगों का है वो, उनका रिजल्ट ही नहीं आया है, फिर वो देते जाएंगे ऐसे रिवेल के लिए, और जो जितने भी कार्यवाही होगी वो टाइम लगेगा। यूनिवर्सिटी का मामला है, उनका जो नाखुश है वो, उसको हम आगे बढ़ा देंगे। वैसे वो RTI में अपनी आंसर शीट्स निकलवा के चेक कर